काफी इंपोर्टेंट वीडियो आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर दो बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूँ। फर्स्ट में तो उन छात्रों को देने वाला हूँ जो कि 2 वर्ष के जो बीएसटीसी के स्टूडेंट है, जो लगातार इंतजार कर रहे थे अपनी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर, क्योंकि मैंने जस्ट एक वीडियो अपलोड किया था 1 से 2 दिन पहले, जिसमें मैंने क्लियर भी कर दिया था कि जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है बीएसटीसी के, उनके जो एग्जाम है वो आपके जनवरी में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और वहीं पर मैंने सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी मैंने क्लियर कर दिया था कि जो आपका रिजल्ट जारी होगा वो आपका जनवरी माह में जारी हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, साथ में उसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहां पर स्क्रीन पर ही शो करने वाला हूं। उसके बाद में बड़ी अपडेट ये है कि जो बीएसटीसी के स्टूडेंट है जिन्होंने अभी फिलहाल एग्जाम दिया है, काउंसलिंग करवा ली, अब इंतजार कर रहे हैं अपनी फर्स्ट लिस्ट को लेकर। देखिए काफी बार मैंने ये चीजें क्लियर भी की है, फिर भी आप सभी को यहां पर मैं क्लियर करते हुए चलता हूं। और आज की जो अपडेट आई है उसके बारे में भी इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना दिया था, लेकिन फिर भी एक वीडियो आपके लिए और बना रहा हूं, जिससे कि आपको जो भी आपके मन में जो डाउट है, जो शंका है, वो आपके माइंड से दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप सभी छात्रों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारे 90K की जो फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो बीएसटीसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, जो कि द्विवर्षीय जो स्टूडेंट है, जो कि लास्ट ईयर जो मतलब कि बीएसटीसी कर चुके हैं और वो अभी फिलहाल सेकेंड ईयर में है, तो आपका जो रिजल्ट जारी होने वाला है, रिजल्ट रिलेटेड काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है उपेन यादव, उन्होंने बातचीत की है, जो भी बड़े अधिकारी है उनसे बातचीत कर रही है। बातचीत करने के बाद में ये बड़ा फैसला आया है कि आज या कल, आज शाम तक या कल तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप ट्वीट भी देख सकते हो इस साइड में, ये ट्वीट है जो कि उपेन यादव जी के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसी से हुआ हुआ एक ट्वीट है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है और यहां पर मैंने आपको लगा दिया, जिससे कि आप सभी के मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए कि आप गलत भी बोल सकते हो। तो इसलिए ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और यहां पर मैंने आपके लिए लगा दिया, तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो। अब इसके बाद में बात करते हैं आपकी बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट को लेकर। देखिए फर्स्ट लिस्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, जिसका स्क्रीनशॉट आप इधर भी देख सकते हो। इसमें बिल्कुल क्लियरली है कि आपके जो एग्जाम है वो 1 तारीख को कंप्लीट हो गए थे, यानी कि जो सॉरी जो आपका रिजल्ट है 1 तारीख को आ गया था, 1 नवम्बर को रिजल्ट आ गया था। अब उसके बाद में आपका जैसे दिसंबर में अभी काउंसलिंग कंप्लीट हुई है, जो कि 1 या 3 के बीच में कंप्लीट हुई है। अब लगातार छात्रों को इंतजार है कि जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है वो कब तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो सीटों की बात करें तो आपकी सीकर में जैसे 2000 सीट है, हनुमानगढ़ में आपकी 1100 सीट है, झुंझुनू में आपकी 1000 सीट है, चूरू में आपकी 700 सीट है। तो यहाँ पर टोटल इनको अप्रोक्स करते हैं तो 5000 के लगभग सीटें आपकी ये बन जाती है। तो इस बार आपकी जो सीटें रहेगी वो आपकी 24700 सीटें रहने वाली है, क्योंकि इस बार जो आपकी कॉलेज थी वो भी आपकी 372 थी, 372 में से आपकी मतलब कि सात कॉलेज आपकी हटा दी गई है। अब टोटल आपकी 365 कॉलेज है, 365 पर आपकी 24700 सीटें आपकी टोटल बची है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आपकी टोटल मतलब कि 66000 स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करवाई है और इस बार 90000 ने काउंसलिंग करवाई है। 66000 स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करवाने के बाद में वहां पर सीटें 25000 थी और उसी के बाद में वहां पर जो कट ऑफ वगैरह है वो भी ठीक ठाक थी, लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो हाई रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ई पेपर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि जो गर्ल्स है उनको 6600 सीट तो ऑलरेडी जो गर्ल्स है ओनली गर्ल्स के लिए है, यानी कि जो यहाँ पर गर्ल्स हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, जो वीमेन है उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। 6600 सीटें तो ये है और उनमें से बची हुई जैसे 18000 सीटें रहती है, तो 18000 सीटों में से भी आधी सीटें गर्ल्स को ही जाने वाली है, तो 9000 प्लस 6000 सीटें ये, तो टोटल 14-15000 सीटें यहाँ पर गर्ल्स को ही जाने वाली है। अभी जितनी भी सीटें बचती है वो जाएगी बॉयज को, तो ये आपका शेड्यूल रहेगा। बाकी जो कैटेगरी रहती है जैसे एससी एसटी एमबीसी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस, ये कैटेगरी रहती है, उसकी बात अलग है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर भी मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिया था। मैंने आप सभी छात्रों को बोला भी था उस टाइम कि जो आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी होगी, फर्स्ट लिस्ट में आपकी जो मिनिमम कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी 370 प्लस रहेगी। जितने भी यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट है 370 प्लस तो आपकी मिनिमम रहेगी, यानी इससे ऊपर ही आपकी ज्यादातर रहने वाली है। बाकी कट ऑफ को लेकर मैंने आपको हर चीज क्लियर कर दी थी। अब देखिए जो यहाँ पर दो पहलू निकल रहे हैं आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है, इस बात के दो पहलू निकल रहे हैं। एक पहलू तो ये है
कि आपकी जो कॉलेज है, कॉलेज आपकी बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कि 3 कॉलेज आपकी जुड़ने वाली है। 3 कॉलेज अगर जुड़े भी जुड़ेंगी, अगर उसमें 100 सीटें हो, 150 सीटें हो, 200 सीटें हो एक कॉलेज में भी, तो आपकी जैसे 300 या 600 सीटें आपकी बढ़ेगी, तो वही आपकी 25-25 हजार सीटें हो जाएगी। अब जो ये प्रोसेस चलेगा, इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। दूसरा पहलू यही है कि इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपकी जनवरी में भी जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। दिसंबर का कोई कंफर्म नहीं है। दिसंबर का कंफर्म तभी होता जब आपकी सीटें या मतलब कि जो आपकी कॉलेज है वो जोड़ी नहीं जाती या आपकी कॉलेज ऐड नहीं होती, यानी मतलब कि जो अदर कॉलेज है उनको जोड़ा जा रहा है तो ये कॉलेज ऐड नहीं होती, तो अब तक आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाती। बाकी एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं आप सभी छात्रों को, लास्ट ईयर काउंसलिंग होने के बाद में भी कम से कम 2.5 से 3 महीने तक अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आई थी, और उसी के बाद में जैसे कुछ छात्रों को अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद में कॉलेज मिल गई थी, जैसे किसी को सीकर मिली, तो वो कॉलेज आपकी रिकाउंसलिंग में एक तरह से उसको चेंज भी कर दिया गया था। रिकाउंसलिंग का मतलब ये होता है कि एक बार जैसे स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करवा ली, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ गई, उसके बाद में अपडेट आता है या कोई नोटिस आता है कि आपकी कॉलेज और जुड़ रही है, जैसे कभी 19 कॉलेज जुड़ गई, कभी 13 कॉलेज जुड़ गई, कभी 12, कभी 8, 7, 5, 3, 2, 1 ऐसे कॉलेज जुड़ती रहती है, तो उसके बाद में रिकाउंसलिंग होता है। जिन स्टूडेंट्स को जैसे अलवर मिली है उनको सीकर, जिनको झुंझुनू मिली है उनको हनुमानगढ़, ऐसे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज कर दिए जाते हैं। देखिए इतनी गहनता से इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देगा जितनी गहनता से मैं यहाँ पर आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं यही मानता हूं कि जितनी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन रहे वो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि ये चीजें आपको जब आप फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी उसके बाद में आपको काम में आने वाली है, जब आप अपवार्ड करवाओगे उसके बाद में काम में आने वाली है, सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 लिस्ट के लिए ही बताया जा रहा है। उसके बाद में अगर 5% सीटें बचेगी तो आपकी थर्ड लिस्ट आएगी, क्योंकि वहां पर जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनको भी काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, तो वहां पर 2% अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनको भी लिया जाएगा। तो ये इतनी जानकारी आपको कोई नहीं देता, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी मुझे पता लगता है, जितने भी मुझे लगता है कि ये आप सभी को बताना इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, बाकी आप सभी खुद समझ